आप देख रहे हैं मूल्यांकन, 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 आप देख रहे हैं मूल्यांकन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन शिवम शर्मा के साथ। जिस तरह से कल सदन में बजट पेश किया गया, जिस तरह से लोगों को सहूलियत दी गई, आज देखना यह है कि लोगों को ये बजट कितना पसंद आया। देश में लोकसभा चुनाव भी अब सिरे के ऊपर है। आने वाले एक या दो महीनों में लोकसभा चुनाव पूरे देश में संपन्न होंगे और इन लोकसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी को देखते हुए गत दिवस हमारे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट सदन में पेश किया, जिस बजट में देश के हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश मोदी सरकार की रही है। इस बजट में किसानों से लेकर मध्य वर्ग लोगों को, हमारे फिल्मी जगत से लेकर सेना को, हमारे सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश मोदी सरकार की रही है। लेकिन ये बजट लोगों के बजट के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालेगा, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को उभारेगा, ये सब जानना है हमें। या फिर ये चुनावी मुद्दा है मोदी सरकार का, जिन्होंने चुनाव के समय में इस तरह का बजट लोगों के समक्ष पेश किया। तो आइए अब हम लोगों से जानते हैं कि ये बजट उनकी ज़िंदगियों को और उनके लिए किस तरह से प्रभावशाली रहेगा। आपका नाम सर? हाँ, आरएस कलोत्रा। आप अपना नाम भी बता दें। अशोक दमीजा, सूर्य स्वीट। गोपाल सिंह। एस के धीमान। जीवन जी। तो मेरा सभी से प्रश्न ये रहेगा कि कल जिस तरह से बजट पेश किया गया सदन में, वो बजट किस तरह से लोगों को सहूलियतें प्रदान करेगा। जिस तरह से हमारा बजट पे देखा गया कि पहले 2.5 लाख पे हमारे टैक्स कटता था, लेकिन अभी वही अंतराल बढ़ा के मोदी सरकार ने 5 लाख का कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? इस बजट के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो आज की डेट में फिगर दिए गए हैं, ये आंकड़ों का खेल है। आंकड़े पेश किए गए हैं, हम ये समझ सकते हैं कि आंकड़ों के साथ लुभाने की कोशिश की गई है। जबकि आज तक 4 साल में तो कोई जैसे इनकम टैक्स वालों को कोई रिबेट नहीं दी गई, जहां तक किसानों के बारे में कोई नहीं सोचा गया, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कोई ज़्यादा नहीं सोचा गया। तो अब 5वें साल में जब इलेक्शन सिर पर हैं, तो आज ही क्यों याद आई इनको? आज तक 4 साल में इनको इस चीज़ की क्यों याद नहीं आई? हर आदमी ये एक सवाल पूछना चाहता है। ठीक है, आज के आंकड़े, हम कहते हैं कि आंकड़े जो दर्शाए गए हैं वो हैं, वो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये लुभावने लग रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। तो यही अगर 1 साल भी पहले हुआ होता तो हम ये समझ सकते थे कि नहीं, ये बजट जो है वो अच्छा है। आज की डेट में जो लोग इसमें ये समझे कि सरकार काम कर रही है, लेकिन जिस सरकार में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको इन्होंने बहुत क्रश किया है, और बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी फ्रॉड्स भी हुए इसमें भी सरकार का और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं बैंकों की, वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये हुआ। आज की डेट में जो देश का सबसे बड़ा रिजर्व बैंक है, उसके गवर्नर जो हैं वो आज घुटन महसूस कर करके रिज़ाइन करके चले जाएं, और ना तो वो नया आने के लिए भी घुटन महसूस कर रहा है, और जो ऑलरेडी जो बैठा हुआ सही आदमी काम कर रहा था उसको भी दरकिनार कर दिया गया, सेंक्शन ना देना, ये भी एक अपना आप में सवालिया निशान है। जी, तो सेंट्रल बैंक होने के नाते और जो बैंकिंग इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फाइनेंस को जो मॉनिटर करती है, उसके एम्प्लॉइज़ आज की डेट में बहुत क्रश हो रहे हैं। वर्कलोड ज़्यादा होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी कम है, और उसके साथ साथ उनकी जो सैलरी रिविजन है वो भी नहीं हो रही है। जी जी। और ना ही उनको कोई पेंशनर्स को कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना जो सिटिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। जैसे इस बजट में अभी देखा गया है कि जैसे ग्रेचुटी सीमा भी बढ़ाई गई है इसमें, इसके लिए उन्हें ग्रेचुटी सीमा कर दिया, 20 लाख तक की ग्रेचुटी सीमा इस बजट में की गई है। इसके साथ ही इनके लिए 50,000 तक का हमारा डेवलपमेंट फंड भी दिया गया है, जिसमें यह है कि 40,000 तक उसकी लिमिट पहले थी 40,000, अब 50,000 कर दी है। इसके साथ ही लोन के ऊपर भी हमें एक काफ़ी, अगर देखा जाए तो काफ़ी सहूलियत मिली है, जिसकी के ऊपर 40 पहले 10,000 तक की ब्याज दर के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता, लेकिन अभी वही ब्याज दर 50,000 भी कर दी है। तो इससे लोगों को क्या सहूलियत रहेगी आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक ये हम कहें कि टैक्स के बारे में कहें, तो टैक्स आग यही हम बात कहना चाहते हैं कि जो टैक्स की रेंज 4 साल के बाद जो 4 साल पहले कर देनी चाहिए थी, फर्स्ट ईयर में कर देनी चाहिए थी, सेकंड ईयर में कर देनी चाहिए थी, वो आज 4 साल के बाद 5वें साल में क्यों बढ़ा रहे हैं? एक सवाल सभी का अभी मोदी सरकार से ये रहेगा कि 5 साल की सरकार में अंतिम साल में ही ऐसा बजट क्यों? क्या ये कोई चुनावी जुमला है,
या फिर लोगों को लुभाने की कोशिश है। इससे पहले ये बजट पेश क्यों नहीं किया गया, आइए अब कुछ लोगों से और भी जानते हैं कि ये बजट किस तरह से उनको लुभाएगा या फिर उनको फ़ायदा पहुँचाएगा। जी आपके लिए बजट किस तरह से रहेगा? जी ये बजट देखो मध्य वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा है, जो जैसे 2.5 लाख से 5 लाख का किया है जी। और भी छोटे छोटे जो किसानों के लिए क्या है 6,000 का, ये बजट तो ऑल ओवर तो अच्छा ही है। अगर इसको इम्प्लीमेंट ढंग से किया जाता तो बहुत अच्छा है जी। और इसमें जैसे छोटे छोटे सबका ध्यान रखा गया है। तो हमारे राहुल गांधी जी का एक सवाल है कि जैसे 6,000 किसानों को देंगे जिनके 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तो वो एक आंकलन किया जाए तो वो 17 रुपये प्रतिदिन के बन रहे हैं। तो एक 17 रुपये किसानों को अदा करना, क्या ये उनके खिलाफ है या फिर उनके लिए किसी तरह से मदद करेगा वो 17 रुपये पर दिन? ये तो एक पहल है, इसके आगे और काफ़ी कुछ होगा, ये तो अभी एक पहल है। जैसा कि एक सवाल और भी आ रहा है कि चुनावी समय में ऐसा बजट क्यों, इससे पहले ऐसा बजट क्यों नहीं पेश किया गया, तो इसके बारे में आप मोदी सरकार या किसी को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा, ये तो इम्प्लीमेंट करने के ऊपर होता है। अभी इन्होंने ये बनाया प्रोग्राम, तो बजट तो हर साल आता ही है, और करते करते अभी इनको 4 साल हुए हैं, इनको अभी और टाइम चाहिए करने के लिए। जी। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, इस बातचीत को आगे जारी रखते हुए बजट के बारे में और लोगों से भी हम जानते हैं कि किस तरह से ये बजट उनको लुभा रहा है या फिर उन्हें सहूलियतें दे रहा है। जी आप इस बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बजट ठीक है, मैं बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन्होंने इनकम टैक्स की रेंज 2.5 लाख से 5 लाख की है वो ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो रेंज है वो बिल्कुल डेंजरस है, वो इसमें कोई चेंज नहीं की गई है। जो 5 लाख के बाद वही है 30% है और 20% और 30% है, उन लोगों को तो एक नए पैसे का फ़ायदा नहीं है। रही बात ये बजट की बात तो आप छोड़िए, आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये मोदी सरकार ये बताए कि आप अनएम्प्लॉयड के लिए इसमें क्या किया गया, एक चीज़ भी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया हो तो, जबकि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है जिसके आप डाटा नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, 2.2 से लेकर के 7 पॉइंट तक पहुंच चुकी है इस हिंदुस्तान के, जो आज जो बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं उनके बारे में क्या सोचा गया है ये बताया जाए हमें। हम तो ये पूछना चाहते हैं क्या किया आज दिन तक अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। आपका इस बजट पर क्या रिएक्शन रहेगा? बाकी मेरा तो सबसे पहला मुद्दा ये भी अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, 17 रुपये जो किया वो भी एक महज दिखावा ही है, और उससे कोई किसानों के लिए कोई गुजारा नहीं होगा। और 2,000 रुपये एक क्वार्टरली जो है कुछ कोई वो महज मतलब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ जी, तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये आ रहा है कि बेरोजगार लोगों के लिए मोदी सरकार ने इस बजट में क्यों कुछ नहीं दिया? बेरोजगारों की संख्या देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि बेरोजगारों के लिए भी कुछ ना कुछ मोदी सरकार देगी, लेकिन बजट देखा जाए तो मोदी सरकार ने बजट में बेरोजगारों को एकदम किनारा दिया हुआ है, जिसमें उनके लिए कोई भी सहूलियत प्रदान नहीं की गई है। आइए अब कुछ और लोगों से जानते हैं कि बजट पर उनकी और प्रतिक्रिया क्या रहेगी। बजट के बारे में आपका क्या कहना है? बजट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर जो मोदी इस टाइम सरकार है उसने जो कदम उठाए हैं बहुत अच्छे उठाए हैं, जैसे नोटबंदी, GST, काला धन वगैरह जो भी है उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और आने वाले समय में जो है BJP की सरकार जो है ऊंचाइयों पर जाएगी और जा रही है, अभी भी जो है उन्होंने जो कदम उठाए हैं सोच समझ के अच्छे उठाए हुए हैं। आपके लिए बजट एक तरह संतुलन बनाए के आया हुआ है, मतलब बजट लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, जैसे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, अपंग के लिए, सबके लिए जो है अच्छा कदम उठाए हुए हैं। जैसे देश में अभी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की चल रही है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, हमारे युवा खास करके, तो इस पे अगर आप चाहते हैं कि मोदी सरकार से जैसे बड़ी उम्मीद थी कि बेरोजगारों के लिए भी इस बजट में कुछ ना कुछ रखेंगे, लेकिन उस बजट में देखा जा रहा है कि इसमें किसी भी तरीके का बेरोजगारों का जिक्र भी नहीं किया गया है, तो इस पे आपका मोदी सरकार के लिए क्या प्रतिक्रिया रहेगी? धीरे धीरे अच्छा करेगी आने वाली सरकार, जो भी आएगी वो अच्छा ही करेगी, कुछ ना कुछ देश के लिए कुछ ना कुछ सुहावना लेके आएगी। एक बजट में ये है कि जैसे किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे सरकार की ओर से, यानी कि 17 रुपये प्रतिदिन। राहुल गांधी के इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 17 दिन किसानों के लिए एक दिन का देना उनकी एक तरह से बेइज्जत की है मोदी सरकार ने, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये बिल्कुल सही है, 17 रुपये में आज क्या आता है ये आप खुद सोच सकते हैं, ये मोदी जिन लोगों ने इसको पास किया है वो बताएं कि 17 रुपये में एक किसान का क्या बन सकता है, 17 रुपये तो बिजली का बिल भी नहीं भरा जा सकता है, तो 17 रुपये देना तो एक उपहास उड़ाना है उन किसानों के साथ जो सवेरे से लेकर के शाम तक ज़मीन पे काम करते हैं और हम लोगों का पेट भरते हैं, उन लोगों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक है कि 17 रुपये दे दिए जाए इनको, और खुद करोड़ों रुपये लेकर के जो लोग भाग गए उनको नहीं बुलाया गया, उनको नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक किसान को बेचारे को 17 रुपये दे दिए गए, भी ये लो भाई आप।
17 रुपये आपको दे दिए, जो करोड़ों रुपए लेकर के भागे हैं उनको नहीं पकड़ा गया, वो आज दिन तक नहीं आए, उनके तो इंटरेस्ट भी इससे ज़्यादा बनता है जितना कि 17 रुपये दे रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 17 रुपये एक किसान को देने की बात कही जा रही है, अगर जो किसान सुबह से लेकर के शाम तक अपने खेत में काम करेगा उसके लिए 17 रुपये, और जो एक लेबरर है वो 400 और 500 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, कहाँ कंपेयर कर रहे हैं एक किसान को जो कि देश के लिए अनाज दे करके सभी के पेट भर रहा है, उसके लिए 17 रुपये दे करके उसको ठीक कह रहे हैं भाई साहब कि उसके साथ भद्दा मजाक है ये, उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी वोट की कीमत 17 रुपये है जी। अभी ये इस बजट को लोग वोट कीमत के तौर पर भी ले रहे हैं, जहां पर किसानों को और लोगों को खैरात बांटी जा रही है कि वो लोग मोदी सरकार को वोट डालें। वहीं मेरा सवाल एक और रहेगा, जैसे कि अभी 17 रुपये प्रतिदिन अगर हम माने 6000 सालाना किसानों को दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह की योजना किसानों को लेकर नहीं बनाई है, आप मान सकते हैं कि ये शुरुआत एक अच्छी है और ये शुरुआत आगे भी बढ़ेगी, इस कीमत को आगे बढ़ाया जाएगा? इसको तो हम इस लिहाज से देख रहे हैं कि अब ये चुनावी जो इस वक्त समय आया हुआ है, और इस वक्त एक कहावत है कि बल से नहीं तो छल से ही ले लो प्राण, वो बात है कि अब जैसे भी है इस इलेक्शन को जीतना है, ये एक मुद्दा बनाया गया है कि जो भी देना है, आज पाँचवें साल में क्यों ही ये इनकम टैक्स का और TDS का पटारा क्यों खोला गया, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, हम इनकी बजट को तब अच्छा मानते, फर्स्ट ईयर में ये जो ये इनकम टैक्स की रेंज थी इसको पहले साल में कुछ परसेंटेज में बढ़ाते, दूसरे साल में कुछ और बढ़ाते, तीसरे में कुछ और बढ़ाते, और आज की डेट में ला करके इसको 5 लाख तक लाते। जबकि अरुण जेटली का ही एक प्रॉमिस था, जब उन 2014 में इलेक्शन लड़ा था तो उसने ये बोला था कि हम इलेक्शन इनकम टैक्स की रेंज 5 लाख कर देंगे, लेकिन 5 लाख करते करते 5 साल लग गए इनको, आज जा करके वो किया गया है। अब 5 लाख की वैल्यू और उस वक्त के 2014 में 2.5 लाख की वैल्यू में आप अंतर निकाल सकते हैं खुद। तो ये भी एक चुनावी जुमला है, चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो है वास्तविकता ही नहीं। आज मुझे बताइए आपकी गैस की हालत क्या है, कभी आपने ज़िंदगी में सोचा था कि 1500 रुपये एक सिलेंडर मिलेगा? कभी नहीं किसी ने सोचा होगा, ये तो अपने नारे दे रहे हैं कि जी हमने सबको गैस दे दी, कभी आपने सोचा कि 1500 रुपये एक गैस का सिलेंडर आपके घर में पहुँच रहे? लोगों को तो ये बोल दिया जा रहा था कि उनकी आंखों के आंसू पहुँच रहे, ये करने कोई आंसू नहीं पहुँचा जा रहा है, ये सिर्फ उन लोगों की तिजोरियाँ भरी जा रही हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने मोदी सरकार के इस बजट को किस तरीके से अपने लिए लिया है। जी, आपका इस बजट पर क्या कहना रहेगा? मेरा इस बजट पर ये कहना कि चाहे कुछ भी हो, हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम यहाँ रोज़ आते हैं पढ़ने के लिए, हमने बहुत प्रयास किए हैं नौकरी के लिए, लेकिन हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि सिलेंडर ऐसा होगा, इतने में होगा, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल जो जब इलेक्शन से पहले जो पेट्रोल था वो उतना 100 के आसपास पहुंच गया था, अब जो है इलेक्शन आने के समय के दौरान जो है पेट्रोल जो है 70 रुपये का समथिंग 60 रुपये हो गया। अब जैसे और कुछ नहीं है, जब इलेक्शन आते हैं तब उन्होंने रेट कम कर देना, चाहे सब्सिडी का धंधे पर, जो हमारे अंकल जी ने कहा कि अरुण जेटली जी बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं कि 5 लाख तक होगा सीमित भी ये जो भी है गरीबों के लिए, लेकिन अभी उन्होंने जो है करते करते जो है 5 साल लगा दिए हैं, तो आगे सरकार को इतना हमारे युवाओं को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वोट लेने के चक्कर में ना वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम ये भी देखना है कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है, क्योंकि युवाएं कितने बेरोजगार, हमारे माताएं बहनें सबको अपना अपना रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि जो इस गरीबी से दूर हटा जाए, चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, चाहे आपका सिक्योरिटी हो गया, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब्स वगैरह अवेलेबल कराओ, ताकि चाहे कॉन्ट्रैक्टर पर हो, चाहे जो जहाँ यूनिवर्सिटी में हो, आप जहाँ भी देखो जाके इस रोड पर कितना काम हो, कुछ नहीं करवाते काम, बस नाम के बहाने से जो है काम बोलते हैं, भैया हमने ऐसा करवाया वैसा करवाया, कुछ नहीं होता, ये तो बोलने के बाद तय रह जाती है दासी। यानी कि मोदी सरकार से उम्मीदें काफ़ी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बजट अंतिम साल में पेश किया और लोगों को वोटों के लिए लुभाने की कोशिश की, उससे लोगों में कुछ खफाई भी है मोदी सरकार को लेकर। अभी औरों से जानते हैं कि उनके लिए ये बजट किस तरह से बनकर आया है। जी, आपका नाम? पूजा जी। अच्छा, आपने बजट के बारे में सुना? बजट के बारे में ये है कि मोदी सरकार ने पहले तो है गांव
किसी भी देश का विकास जो है वो गांव से शुरू होता है, तो मोदी सरकार को पहले ये चाहिए कि पहले वो गांव का विकास करे। कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे ना बसेस की सुविधा है, ना वहां पे पानी पीने के लिए टाइम से मिलता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी सरकार से कि पहले वो गाँव का विकास करे, तब वो शहर तक जाए। पर हमारे यहाँ पर उल्टा होता है, पहले शहरों का विकास होता है और गाँव की तरफ कोई भी नहीं देखता है। एक उल्टे विकास की ओर मोदी सरकार जा रहे हैं, यानी कि पहले शहरों का विकास लेकिन गांवों को पिछाड़ रहे हैं। लोगों की डिमांड है मोदी सरकार से कि पहले गांवों के विकास के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाए। और लोगों से जानेंगे कि उनका बजट के ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी। बजट के बारे में आपको क्या कहना है? बजट के बारे में क्या कहना है, जैसे अभी बजट में पेश किया गया कि जैसे पहले थी हमारी टैक्स कटता था हमारा 2.5 लाख के इनकम के ऊपर, लेकिन अभी वो सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, उस पर कर दिया कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बजट में उन्होंने बताया। इसके साथ ही किसानों के लिए भी पूरा सालाना 6,000 रुपये देने की भी उन्होंने डिमांड किया है। ये तो अमीर लोगों के लिए हुआ है ना सर, गरीब को 5 लाख कहाँ होगा अकाउंट में धरने के लिए। हम लोग तो बिहार से आए हैं ना सर, तो हम लोगों को अकाउंट में 5 लाख कहाँ से आएगा सर? जी, तो ये तो अमीरों के लिए है, जो जिसके पास 5 लाख रहेगा वो रखेगा। ठीक है सर, बस गरीबों का ये कहना है कि उनके लिए मोदी सरकार ने इस बजट में क्या किया, ना युवाओं को नौकरी दी, ना बेरोजगारों के लिए कोई योजना बनाई, और इसके साथ ही 17 रुपये प्रतिदिन देकर हमारे किसानों के साथ भी एक भद्दा मजाक मोदी सरकार ने किया है। वहीं और लोगों से जानते हैं कि बजट के ऊपर इनकी और प्रतिक्रिया क्या रहेगी, आप इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? जैसे वैसे तो हमारा कहना ही यही है कि जो जिस रेंज से आज तक 5 साल में जितना रिबेट दी है इनकम टैक्स की या और चीज़ों पर जो भी लुभावने आज दिए जा रहे हैं लोगों को कि ये चीज़ मिल जाएगी ये मिल जाएगी, तो हम ये समझते हैं कि जो इनके फोल्ड में नहीं थे उनको अपने फोल्ड में लाने के लिए एक इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि एक वोट बैंक की राजनीति की जा रही है कि किसानों को कुछ दे करके, एम्प्लॉइज को कुछ दे करके हम 5 साल तो हमने इन्जॉयमेंट कर ली, अब अगले 5 साल करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए ये लुभावने जो हैं जुमलेबाजी की जा रही है। यही औरों से भी जाने जी, ये तो सारी की सारी जुमलेबाजी है। मुझे बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे वो नहीं बने, मंदिर आपसे नहीं बना, आपने धारा 370 आपने तोड़ी, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, लेडीज़ के लिए कुछ नहीं किया गया। इस बजट में एक चीज़ बताओ कि जो औरतों के लिए कुछ किया गया हो, गृहिणियों के लिए गैस सुविधा बांटने का, सुविधा वो 1,005 रुपये की गैस सुविधा मिलेगी, जबकि वो इससे पहले 400, 500, 600 रुपये में मिलती थी, आज 1,005 रुपये लगेंगे उसको लेने के लिए। कितनी आप इस पर क्या नहीं क्वेश्चन क्या बोले क्वेश्चन में मेरा बजट, जैसे कि बजट कल पारित हुआ तो बजट लोगों के लिए कितना सुविधाजनक रहेगा? जो आगामी बजट है ये हर वर्ग के लिए हर तरह से अच्छा है, खास करके मिडिल क्लास वर्ग के लिए, जो कि 5 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सबके लिए बहुत बड़ी बात है, रिलैक्स की बात है। और जब तक ये मोदी सरकार है तब तक हो सकता है कि मतलब आने वाला जो इंडिया का बैकअप है और मजबूत होएगा, इंडिया और आगे बढ़ेगा, आम जनजीवन जो है और सुधरेगा यदि मोदी सरकार रहेगी तब। जैसे अभी मोदी सरकार ने अभी बजट ये पेश किया हमारे चुनावी दौर में, जब अभी लोकसभा चुनाव हमारे सर पे हैं, इससे पहले भी ये बजट पेश कर सकते थे। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये बस वोटों को आकर्षित करने के लिए ये बजट पेश किया। ठीक है, बात ऐसी है कि है लोकतंत्र, लोकतंत्र का वेलफेयर कैसे हो, ये कांग्रेस पार्टी करे या बीजेपी करे, जो भी करे जनता के फेवर में होना चाहिए। तो अच्छा है कल करते उन्होंने आज किया, पहले नहीं करते अभी किया, बट किया तो है ना, चाहे कांग्रेस करती तो भी अच्छा था, बीजेपी कर रही है तो भी अच्छा है, बट थिंग जो है चीज़ें जो है वो जनता के वेलफेयर में होनी चाहिए, जो कि आम जनजीवन है उसके वेलफेयर में। हाँ, कुछ लोगों में रोष है तो कुछ लोगों में उत्साह भी है इस बजट को लेकर, कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी रहा है, लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोट के समय पर ये बजट क्यों, इससे पहले ये बजट मोदी सरकार ने क्यों पेश नहीं किया। इन सभी सवालों के साथ बने रहेंगे हम मूल्यांकन में आने वाले सारे के सभी मुद्दों के ऊपर। आप देखते रहिए मूल्यांकन, कैमरामैन अश्विन कुमार के साथ शिवम शर्मा, एस टुडे।